मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबर। अब छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर के ब्लू स्काई कैफे में 28 युवकों को पुलिस ने हुक्का पीते हुए काबू कर लिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुक्का पीने पर प्रतिबंध है और यह है अपराध है। यह सभी युवक रईस जादे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर इन युवकों को काबू किया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार किया है। राजधानी में एक सप्ताह का लॉकडाउन फिलहाल लगा हुआ है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जिला प्रशासन ने बेवजह घरों से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके बावजूद लोग लॉकडाउन का शहर में उल्लंघन कर रहे हैं और शहर में हुक्का बार खोले जा रहे हैं। बीती रात पुलिस ने सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की और 28 युवकों को हुक्का पीते हुए रंगे हाथों काबू पर लिया। सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली थी कि ब्लू स्काई कैफे में हुक्का पिलाया जा रहा है। जैसे ही सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टीम गठित कर दी और पुलिस ने अचानक दबिश दे डाली और 28 युवकों को वहां से गिरफ्तार किया। कैफे से पुलिस ने हुक्का, सिगरेट और अन्य तंबाकू की सामग्री बरामद की है। पुलिस ने कैफे के संचालक और गिरफ्तार युवकों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हुक्का बार में कार्रवाई के दौरान सदर बाजार निवासी हीरक बारमेड़ा और हिलोर बारमेड़ा के मोबाइल में लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे। इससे पुलिस को शक हुआ। मोबाइल चेक करने पर हीरक बारमेड़ा के द्वारा क्रिकेट एक्सचेंज और क्रिकेट ऐप से सट्टा खिलाने का खुलासा हुआ। वहीं लोरा बारमेड़ा के द्वारा भी क्रिकेट बाज और क्रिकेट लाइन गुरु ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाया जा रहा था। दोनों IPL क्रिकेट मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रत्येक ओवर रन बाल देख कर दाव लगा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से मोबाइल समेत नकदी 1,23,000 रुपये भी जब्त की हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।